पूरे जिला लखीमपुर में जहां देखो हिफ्ज की पढ़ाई होती है, और हिफ्ज पढ़ने से इंसान तबलीग नहीं कर सकता, नमाज पढ़ा देगा लेकिन मसाइल को जानकारी कहाँ होगी उसकी। एक गांव में यहाँ एक हाफिज जी इमामत करत रहे तो गांव वाले जलसा करें, तो जैसे हजरत जलसा करें बड़े बड़े सबका भले, हम लोग तो छोटे आदमी हैं लेकिन बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं लोग, तो गांव वाले जलसा करें बड़े बड़े मौलाना आए बड़ी ऊंची टोपी दे के, कोई साफा बांध के, कोई कुछ जुब्बा पहन के, तो जब हाफिज जी देखें जो इमामत करते रहे हैं तो खड़फड़ाने कहीं लागत है, आज ईशा की नमाज हम न पढ़ावे पे कहा, बड़े बड़े आए हैं। तो फौरन हाफिज जी पहुंच गए मस्जिद के सदर साहब पास, कहें सदर साहब आज ईशा की नमाज को पढ़ाई, कहीं कहे कहा बात इमाम आप पढ़ाई और को पढ़ाई, कहीं ना ही आज बहुत बड़े बड़े मौलाना आए हैं जलसा में यहाँ, तो वही हम आए पूछे कि को पढ़ाई, तो कहीं कोई बात हो तो बताओ, तो कहीं देखो जत्ते मौलाना आए हैं माँ कौनों के यहाँ कुरान के 25 सूरत याद हुई, कोई के यहाँ 15 सूरत याद हुई, कोई का 20 सूरत याद हुई, और हमरे सीना में यहाँ पूरा कुरान है, कहीं तब तो कहीं नमाज को पढ़े, तो सदर साहब कहें जब ये जत्ते आए कोई 20 याद है कोई 15 याद है और तुमका 114 याद है तो तुम पढ़े और को पढ़े, तो हाफिज जी कहीं जाने रहे तो कहीं नहीं कि वहाँ पहुँचो तो कहा मुफ्ती साहब चलो नमाज पढ़ाओ, कहीं नहीं नहीं हाफिज जी नमाज आप ही पढ़े हो, जब पूरा कुरान सीनम तुम रहे है तो तुम ही पढ़े है, तो कहीं ना जाने रहे हो कहीं ठीक। अब ईशा की अजान में सब लोग पहुंचे मौलाना मुफ्ती पहुंचे, हाफिज जी फट से मुसल्ला जाए छिदाई ले और खड़े हो गए नमाज पढ़े, मौलवी मौलाना जत्ते मुफ्ती लोग रहे सब पीछे पढ़ें, उसके बाद नमाज जब पढ़ें तो आखिर में यह हाफिज जी सलाम फेर के सजदे सहु की, जब सजदे सहु की फिर सलाम फेरें तो मौलाना लोग पूछें कि आए हाफिज जी सजदे सहु काहे के है, नमाज में तो आपकी कोई गलती हुई नहीं, किरत आपने सही किया, रुकू सजदा किया, सारे वाजिबात आपने अदा किए हैं, कोई वाजिब छूटा होता तो सजदे सो करते, आपके सारे वाजिबात अदा हुए नमाज सही पढ़ाए फिर सजदे सो आपने क्यों किया, तो हाफिज जी कहें एक छोटी सी गलती हो गई थी, कौन गलती जो हम लोग नहीं जान पाए, कहने थोड़ी सी गलती हुई थी, अरे बताओ तो हाफिज जी कहें जब मैं रुकू में गया था तो थोड़ी सी हवा निकल गई थी, तो मौलाना लोगों ने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अरे हाफिज जी नमाज भी गई वजू भी गया, हाफिज जी समझिन तनिके हवा तो निकली है तो सजदे सबसे पूर हुई। मौलाना अब्दुल मुस्तफा आजमी जो मुहद्दिस गुजरे उन्होंने अपनी इस वाकये को अपनी किताब में लिखा है, और लिखने के बाद ये तरगीब दी है कि लोगो हिफ्ज़े कुरान पर इक्तफा न करो, हाफिज़े कुरान होने के बाद आलिम बनने की कोशिश करो, आलिम नहीं बनोगे तो मसाइल की जानकारी तुमको कैसे होगी, तो इसलिए इस इदारे को बढ़ाओ, सबसे पुराना इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी मदद करो, दिल खोल कर इससे मोहब्बत करो, हो सकता है अल्लाह बहुत बड़ा कादरे मुतलक है वो चाहे तो दरसे निजामी की तालीम मुकम्मल आप लोगों के जरिए करवा दे, आलिम बनो आलिम, आलिम बनाओ अपने बच्चों को, लेकिन आज आलिमों की कदर नहीं होती, देखो बस मैं तकरीर खत्म करने वाला हूँ टाइम ज्यादा नहीं है, आजकल मसाइल में बड़ा इख्तलाफ हो जाता, जैसे पता चला कि यहाँ खुला के बारे में बड़ा झगड़ा चल रहा है, खुला खुला जानते हो, कोई औरत पर शौहर जुल्म करे और तलाक भी न दे और जुल्म भी करे तो वो औरत क्या करे, तो इस्लाम ने सारी सूरतें बता दी है कि अगर शौहर जालिम हो बीवी के हुकूक को अदा न करता हो और जुल्म करता हो और तलाक भी ना देता हो तो क्या सूरत है, तो शरीयत ने एक रास्ता बताया कि औरत अपने शौहर से खुला करा ले, खुला का मतलब यह है कि कुछ पैसे दे करके और शौहर से निजात हासिल कर ले, पैसे दे करके कुछ रकम दे करके बहुत सी चीजें उसमें है, रकम दे करके और शौहर को राजी कर ले और शौहर के निकाह से अलग हो जाए,
तो अब जब खुला कर आएगी कब, जब कुछ दिन शौहर के पास रहेगी, जुल्म ज्यादती होगी, ऐते आवत तो दूर दूर से ना इत्तेफाकी तो ना हुई जी। बोलो भैया, जैसे बीवी पहली रात में आई और गयो और फट से तो खुला के नौबत आए ना जी। उ दिन तो आदमी रसगुल्ला लेके जाता है, उ दिन थोड़ा आदमी खटपट करे, तो खुला करा ले। अब मामला रहा महर का, तो महर औरत वापस करे मर्द को, क्यों वापस करे? महर जो औरत ने लिया है अपने जिस्म के एक हिस्से की कीमत ली है, वो उसने हिबा कर दिया, महर दे दिया। देना जरूरी है कब? कुरान फरमाता आतुन निसा सदुकातिहिन्न निहला, कि औरतों का महर खुशी ही की रात में दे दो, खुशी की रात में दे दो। जिस चीज के बदले में आपने महर दिया वो चीज तो आपको मिल गई, फिर औरत से जब खुला होगा तो महर क्यों वापस करेगी? महर नहीं, महर तो उसका हक हो गया, उसने हक ले लिया। जिसके बदले में आपने महर दिया वो चीज आपको मिल गई, अब अगर वो खुला करा रही तो महर क्यों वापस करेगी? रकम देगी जितने पे शौहर राजी हो जाए, राजी करके वो अपना दामन बचा ले। लेकिन फिर भी कोई मसला समझ में ना आए तो आलिमों से राब्ता करना चाहिए, होटल में बैठकर बकवास नहीं करना चाहिए। देखिए एक बात मैं फिर कहूंगा, पुराने हकीम में जगह जगह आलिमों की फजीलत आई। अब आप ही ना कहे कि अपन जुगाड़ बना हुआ था। मैं जो बात बता रहा हूं, देखो कुरान में जगह जगह आया है अल्लदीना उतुल इल्मा दरजात। अल्लाह फरमाता है जो इल्म वाले हैं वही दर्जा वाले हैं। ए जगह फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह से अल्लाह के बंदों में उलमा डरते हैं। ए जगह अहल यस्तविल लदीना यालमूना वल्लदीना ला यालमून, क्या पढ़े अनपढ़ दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो आलिमों की फजीलत कुरान में बहुत है, लेकिन और पीरों की फजीलत, तो पीरों के बारे में तो साफ सरी कहीं नहीं लिखा है पूरे कुरान में। जो हमें इल्म है, हमें जो इल्म है उस इल्म के मुताबिक मैं कह रहा हूं, पीरों के बारे में सराहतन कहीं नहीं लिखा हुआ है कि पीर दर्जा वाला है। कुरान कहता है इल्म वाला दर्जा वाला है। लेकिन आज देखा जाता है कि अगर 10 मौलाना हो एक पीर आ जाए तो पीर के पीछे पीछे भगी है मौलाना के यहां दुत्कार दी, और पीर साहेब ही हैं तो 10-10 मुरीद उनके पैर दबाई है। अल्लाह जाने लागत है 100 बीघा जोताए के आए हैं भाई, और दबुआवा करी है। जब पीर इतना बड़ा काहिल होगा तो मुरीद को कामयाबी की जिंदगी कैसे वो बता सकता है? शेख सादे ने लिखा है कि काहिली बर्बादी का सबसे बड़ा जरिया है। जिसने काहिली किया दुकान न बेचो घरे परे रहो, तो क्या हाल हुई बताओ? काहिली इंसान को बर्बाद कर देती है। दुई ठोरे काहिल रहा, एक दफा गांव से निकले दुई ठोरे काहिल सफर में जात रहा, रास्ते में एक बैर के बिरवा देखिन पकी पकी बैर लाग रहा। बैर तो जनते हुए आप लोग भैया, दोनों काहिल देखिन तो पकी पकी बैर लाग रहा है, तो खड़े होकर देखिन कहीं यार तो बहुत अच्छी बैर है, तो दोनों के नीचे लिए टिके कहीं कोई यही तो तूर के खवाए दी तो खाई ली है जी, नहीं भोग ला तूर के खाई ले। दोनों लेट गए, अब सहारा देखे कोनो आवे तो खवाई दे। अत्ते में है एक बैर गिरी नीचे, तो गिरी जमीन पर तो दोनों का उठावे कैसे परे दोनों। इतने में एक मुसाफिर गुजरा तो एक थोड़े काहिल मुझे कहते इतनी इधर आओ। वो मुसाफिर पहुंचा कैसे कहा बात कैसी बैरियत ने उठा के हमरे मुँह में दे दे, उठा के उधर दी तक जाए ला। तो फिर कहते कहाँ जाते थे यहाँ लौट हमारे मुंह से बीवा को निकाली रे, तो लौटा तो दुई लात मारी। सारे बीओ नहीं मुंह से निकाल सका था,
तो दोसर का काहिल बगल में लेटर है कही सौर डुला तुम्हारी के, अब हमरे मुंह पर कुत्ता मुंह तत रहा है तो इसे कह रहा है भगाए दो तो नहीं भगाई से रहे बताओ। ऐसे ऐसे काहिल हुई है तो क्या वो खुद कामयाब होंगे दूसरों को कामयाब कर सकते। तो जो उन पीर दस दस मुरीद से पैर दबुआवत हैं वो मुरीद को इस्लामी जिंदगी क्या सिखाएंगे। ऐ लोगो, पीर के बारे में सराहतन कहीं नहीं लिखा है लेकिन माँ बाप के बारे में कुरान में 17 जगह लिखा है। 17 जगह अल्लाह ने कुरान में फरमाया उबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैया, अल्लाह की इबादत करो अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ। वबिल वालिदैन एहसाना, और माँ बाप के साथ अच्छा बर्तावा करो। एक जगह अल्लाह फरमाता उश्कुरुली वली वालिदैक, ऐ मेरे बंदो मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। पीर का शुक्रिया नहीं बताया, माँ बाप का शुक्रिया बताया। माँ बाप का शुक्र अदा करो, मेरा शुक्र अदा करो। याद रखो हदीस पाक में है अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर से रवायत है फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जाने दो जाने दो, रास्ता ना रोको किसी। हमारे इस्लाम में ये भी मना किया गया कि रास्ता चलने वाले को रास्ता दो, और ये भी बताया गया कि रास्ते में कोई तकलीफ की चीज हो, हदीस में है, अरे जानते हैं सब जलसा, एक आदमी उधर बैठ जाए एक आदमी इधर रास्ता बता दे तो थोड़ा लोग मान जाएंगे, ऐसा नहीं कि न माने। दरूद शरीफ पढ़िए, اللهم صل على سيدنا سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاه و سلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم। हजरत कोई बैठा है तो हर एक आदमी कुर्सी पर बता दे कि भैया उधर से मोड़ के निकाल ले। नाराय तकबीर, नाराय रिसालत, जश्न साहिब कुरान मसलके आला हजरत, नाराय तकबीर। रजाकार हजरात जो हैं दो एक लोग वहाँ हो जाएं और भाई मोहब्बत से कह दें कि भैया जलसा हो रहा है जरा दूसरी जगह की तरफ से ले जाओ तो हो सकता है लोग मान जाएं। मोहब्बत से कहें, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुनिए हदीस शरीफ सुनिए, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर से रवायत है फरमाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह यग़फिरु कुल्लज़ुनूब, कि बेशक अल्लाह ताला देखिए हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आरिफ साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहु अली तशरीफ ले आए माशाल्लाह, जो आपके जलसे के बहुत अहम खतीब हैं, इंशाल्लाह अब इनका बयान सुनना है आपको।
हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नल्लाह यग़फिरु कुल्ल ज़ुनूबी, कि बेशक अल्लाह ताला हर गुनाह